नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है इसमें मैंने, आपका कुंडली को समझने की कोशिश कीजिए। एस्ट्रोलॉजी का अगर आप एस्ट्रोलॉजी के ऐसे वीडियो देखते हैं और इन शॉर्ट अगर वक्त खराब हो रहा है, आप अगर उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझते, कोई क्या बेसिक से बात करते हैं, जैसे जो फॉरेन इंग्लिश है, फॉरेन वाले जो है, मतलब फॉरेन एस्ट्रोलॉजी, इंग्लिश नहीं, फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स, वो ज्यादातर सूर्य से चलते हैं। हम लोग लग्न कुंडली से चलते हैं, चंद्र कुंडली से चलते हैं, नवमास भी देखते हैं। और प्रेडिक्शंस के लिए मैं आपको तुला लग्न की बात कर रहा हूँ। आपकी लग्न कुंडली लिखी होगी, बहुत सारी कुंडलियां होगी आपकी, आप देखेंगे तो उसमें लग्न कुंडली जो लिखा होगा, यहाँ जो आंकड़ा है वो उत्तरी राशि आपका लग्न है, ये आपके यहाँ लिखा होगा लग्न कुंडली, आप ये देखिएगा, ये लग्न कुंडली लिखा होगा और यहाँ सात लिखा है, इसका मतलब सातवां लग्न आपका, सातवीं राशि आपका लग्न है, तो सातवीं राशि तुला है, इसके लिए आपका तुला लग्न है और इसका स्वामी है शुक्र। अभी देखिए, इस महीने में आप देखेंगे तो देखिए शुक्र राशि बदल रहा है 23 फरवरी को, 29 जनवरी से मंथ स्टार्टिंग में वो वही है, 23 फरवरी को शुक्र राशि बदल रहा है और आपके सुख स्थान में आ रहा है, मन की शांति के स्थान में आ रहा है, इसके लिए एक शांति का अनुभव कराएगा एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ में। अभी ये तीसरे स्थान में है तो ये भाई बहन के स्थान में है, ये भाई बहन के साथ के कोई रिलेशनशिप है उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा। योग कारक शनि है आपके कुंडली के लिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि है और वो शनि तृतीय स्थान में है, तो भाई बहन के स्थान में योग कारक ग्रह है उसके साथ लग्नेश गया तो भाई बहन के साथ का जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही देकर जाने वाला ये महीना है आपके लिए फरवरी महीना। ये दूसरी बात, शुक्र बदली करके मैंने बोला भाई बहन या हिम्मत या पड़ोसी, पड़ोसी के साथ का भी कोई रिलेशंस होगा तो वो भी इंप्रूवमेंट कर पाएंगे आप, कुछ हिम्मत करने वाली बात है। कर्मस्थान से सेवा स्थान है, ये हिम्मत है, ऐसा कोई काम 1 2 3 4 5 6 जो इंसान को नेम फेम देता है, प्रतिष्ठा देता है, मित्रों से लाभ देता है, वो थर्ड हाउस मित्र भी देखे जाते हैं, हिम्मत देने वाली जगह है वो, तो हिम्मत मित्र भी देते हैं, तो इस तरह की बात है। थर्ड हाउस में शुक्र है, वो आपको हिम्मत देगा, कुछ ना कुछ डेयरिंग का काम करवाएगा और आपके माइंड में कहीं दिन से कुछ अगर हिम्मत करने का काम आप सोच रहे हैं डेयरिंग करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, और डेयरिंग से रिलेटेड है या कहीं कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है तो वो आप करेंगे ये, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मस्थान का संघर्ष बढ़े नहीं, क्योंकि कर्मस्थान से वो सेवा है। काम धंधे में कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउटफुल लगता है तो मत बढ़ाइएगा, तुला है, लिब्रा है, ये तराजू की राशि है, यानी कि वेरी कैलकुलेटिव, बहुत दूर का कैलकुलेशन कर सकने वाली राशि है और दूसरों के फायदे में अपना फायदा देखने वाली राशि है तुला, कि आपको भी 5 पैसा मिले और बेचने वाले को भी मिले, लेने वाले को भी मिले, इसके लिए ये राशि व्यापारी की राशि है तुला, और व्यापारी सब तुला में आते हैं, बिजनेसमैन कम्स अंडर द लिब्रा साइन। सूर्य राशि बदल रहा है, देखिए सूर्य 14, 13, 14 के आजू बाजू एवरी मंथ राशि बदलते हैं, सूर्य 13 फरवरी को यानी मिड ऑफ द मंथ में वो आपके फिफ्थ हाउस में जाएगा, और फिफ्थ हाउस में फुल मून बन रहा है, पूर्णिमा बन रहा है, यानी कि बच्चे के स्थान में जो फुल मून बना हुआ है वो बच्चे के स्थान में कुछ ना कुछ अच्छे चीज का इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि पूर्णिमा है आपके पंचम और 11th हाउस पर हुआ है, सिंह और कुंभ स्थान में, कुंभ राशि के स्थान में हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी का कुछ काम है तो वो भी हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी स्थान में फुल मून है, बहुत अच्छी चीज है, आपकी बुद्धि के स्थान में फुल मून है, संतान के स्थान में फुल मून है और एजुकेशन हाउस में फुल मून है, तो ये भी एक अच्छा साइन है आपके लिए। बुध 2 बार राशि बदल रहा है और बुध का बीच में उदय भी हो रहा है, 11 फरवरी से आपका भाग्य आपको साथ देने लग जाएगा, भाग्य बुध आपके चतुर्थ में है, 11 फरवरी से वो आपको हेल्पफुल रहेगा, ये 7 फरवरी को सबसे पहला आपका मकर राशि है उसमें से ये बुध 7 फरवरी को फिफ्थ हाउस में जाएगा, यानी बुद्धि स्थान में, संतान बुद्धि स्थान में गया वो वहां, और वो बुद्धि अनुरूप ही कुछ फायदा देगा आपको, बुद्धि के कनेक्टेड, यानी कि फिफ्थ हाउस संतान को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, फिर से ये बुध भी ये सपोर्टिंग बता रहा है
कि आप को लाभ दिला रहे, आपके संतान को या एजुकेशनल हाउस में आपकी बुद्धि को लाभ मिले, ऐसी कोई आइडिया का ये जन्म देगा। 7 फरवरी से 24 फरवरी में और बुध मार्गी उदय भी हो रहा है, बुध का मार्गी होना उदय होना वो सब लाभदायक है आपके लिए, आपका भाग्य है इसके लिए। 25 फरवरी से 14 मार्च फिर बुध 6वें स्थान में जा रहा है। बोलने के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा, आपका बोलना और झगड़े की जड़ ना हो जाए ये ध्यान रखिएगा। केतु आपके 4th हाउस में है, आध्यात्म के स्थान में है, शांति है, घर के अंदर कुछ आध्यात्म आया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। केतु और मंगल को देखिए, अभी मंगल आपके 6th हाउस से बिगिनिंग किया हुआ है, मई मंथ का है शुरुआत में, 5 फरवरी को मंगल प्लस किया है, इसका मतलब नेक्स्ट घर में जा रहा है वो मंथ के एंड में, मंथ के बिगिनिंग में। 5 फरवरी में ये 7th हाउस में जाएगा, आप मैरिज लाइफ का पार्टनर को देखेंगे वो झगड़ा झगड़ी पे आ जाएगा, वेरी एनर्जेटिक, शी लुक्स वेरी एनर्जेटिक। अगर आप आदमी हैं तो औरत की बात करूँगा, औरत है तो पति की बात कर रहा हूँ, मैरिड की बात कर रहा हूँ, जो मैरिड है उनके लिए अपने मैरिज लाइफ का स्पाउस ज़्यादा ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देगा, हो सकता है आपसे झगड़े भी, क्योंकि 7th हाउस में मंगल है, पत्नी पति के स्थान में का ये मंगल है, ये आपको उसकी उसके साथ ठीक से पेश आना पड़ेगा आपको आने वाले दिनों में, वो ये चीज़ वो बता रहा है, क्योंकि वो झगड़ा कुछ ना कुछ सर पे आने वाला है वाइफ के साथ का, जिसकी मैरिज लाइफ दूषित है। 7th हाउस में राहु हो, मंगल हो, लग्न में शनि हो, राहु हो, सूर्य हो, वहाँ थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी अनुभव में आएगी आपको। गुरु 2nd हाउस में है, ये 2nd हाउस में फेब्रुवरी महीना 20 2nd हाउस में रहने वाला है, ये कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान में आपको रिस्क लेना चाहिए, आपके काम धंधे में नई जॉब की ऑफर्स मिलती है। देखिए ये 3rd हाउस का शुक्र कुछ हिम्मत कराएगा, गुरु 2nd हाउस में है, ये आने वाले साल में यानी कि 2019 में आपकी इनकम डबल करने की आपकी कैपेसिटी पूरी लगा दीजिएगा और इनकम डबल करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज शोइंग दैट इनकम विल बी डबल। आपका जो गुरु है उसकी 9वीं एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं एस्पेक्ट आपके कर्मस्थान पर है। 8वीं 7वीं दृष्टि है आपके 8th हाउस पर और 5वीं दृष्टि है आपके 6 पर, मतलब ये आपको बीमारी से भी बचाता रहेगा गुरु की एस्पेक्ट, आपको वारसा का काम बहुत बड़े दुख टेंशन में भी नहीं जाने देगा और कर्मस्थान को भी एस्पेक्ट कर रहा है। गुरु की पूरी कृपा है इस वक्त आप पर और शुक्र का लग्न है, देखिए शुक्र कंट्रोल ही गुरु कृपा से रहता है, कर्मस्थान में है, कर्मस्थान में ऑलरेडी राहु है, राहु जिसको दश में दुनिया उसकी वश में, राहु अगर दशम में जिसको भी देख लो वो अपने अधिकार के लिए लड़ जाता है, अपना अधिकार किस तरह से भी छल से प्राप्त करता है, तो ये छल से अधिकार प्राप्त करने वाला राहु का अभी सपोर्ट आपको 7 मार्च तक है, 7 मार्च से ये छलिए का छल खत्म हो जाएगा और वो 9th हाउस की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि आपके धर्म स्थान में वो आपसे बाद में 7 मार्च के बाद वो धर्म कार्य नहीं करने देगा। धर्म कार्य के स्थान में राहु आने से धर्म कार्य अटक जाते हैं, आपको अधर्म का सहारा फिर देगा वो, लेकिन 7 मार्च तक यानी कि फेब्रुवरी में राहु महाराज अभी भी 10th में है, आखिरी मौका है, या समझ लो 10th हाउस में जो माया कर्मी है कर्मस्थान में और जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, तो फेब्रुवरी इज द लास्ट मंथ। झूठ का आपके झूठ का जो अपना क्यू में नहीं बैठ रहा है राहु अमृत के लिए, वो आगे बढ़ेगा और अपना हक छीन लेता है माया करके, तो वो राहु का लक्षण है वो 10th हाउस में, मतलब अगर इफ यू आर डूइंग जॉब समवेयर तो ये राहु आपको माया करके चीटिंग करके भी आगे बढ़ाएगा और ऐसा कर्म करवाएगा कि आप आगे बढ़ जाओ, लोग डरे आपकी ऑथोरिटी से। मैंने फुल मून का भी बताया, 27 फरवरी को इसमें चंद्र गुरु की युति दिखाई दे रही है, गुरु के साथ वृश्चिक में चंद्र गुरु की युति होती है आपके धन स्थान में, पैसे की पैसा आना चाहिए, चंद्र गुरु की युति 2nd हाउस में है, कर्मेश है चंद्र आपका, तो ये पैसा देगा 27 फरवरी को, 27 फरवरी में भी फिनेंशियली वेरी गुड मंथ, वेरी गुड डे, अच्छा दिन रहेगा ये आपके लिए। अभी देखिए अगर डेट वाइज देखते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज कोई डेट, एकदम बुरी डेट है तो मैं बुरी डेट को एक आध डेट्स को मार्क कर सकता हूँ, लेकिन पूरे मंथ में कुछ डेट्स न्यूट्रल भी होती है, आप आपके काम पे जाते हैं, अपना काम करते हैं डे टू डे और घर पे आके लौट जाते हैं, उसमें कोई वो डेज का कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होता, बस एक रूटीन डेज,
तो रूटीन डेज को मैंने नहीं मेंशन किया यहाँ, रूटीन डेज को क्या रूटीन डेट को मेंशन करूं, तो मैंने गुड डे बैड डे को रिकॉग्नाइज किया है। और वो बैड डेज किस तरह से बैड हो गए वो मैं डेट वाइज आपको बताता हूं। देखिए 1 फरवरी आपकी मैरिज लाइफ के हाउस में मैं कुछ पॉजिटिव देख रहा हूं, तो मैरिज लाइफ से 1 तारीख आपके स्पाउस के साथ आप शादीशुदा है, तो आपके जो अगर आप लड़का है तो लड़की और लड़की है तो आपके पति के साथ की आपकी अंडरस्टैंडिंग 1 फरवरी को बहुत मजबूत होगी, अच्छी होगी। आप समझ पाएंगे आपका स्पाउस क्या कह रहा है और स्पाउस अच्छी तरह से समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैरिज लाइफ के लिए डिस्प्यूटेड ऐसे भी देखिए वीनस है, तुला, तुला का, तुला लग्न का स्वामी शुक्र है, ऋषभ और तुला वालों को और मीन ज़्यादातर ऋषभ तुला को तो पकड़ ही लो कि मैरिज लाइफ में अपने स्पाउस के साथ की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है लोगों की, शुक्र वाले हैं इसके लिए। आकर्षण, इसका आकर्षण ही बेस है मैरिज लाइफ का, तो ये शुक्र की वो कृपा है और 1 तारीख को वो चीज आपको देखने मिलेगी। 2, 3, 4 मैंने लिख दिया देखिए बैड डेज में दिस विल, ये 3 दिन आपको मानसिक टेंशन देंगे, मतलब आप कहीं भी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन में आप खरे नहीं उतरेंगे, हो सके तो 2, 3, 4 देखिए आपके ससुराल से आप कुछ कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां से कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। तो कोई बैड डे है लेकिन ससुराल खुश खुश होगा उस दिन आपके, 2, 3, 4 वो आपके मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है उसका परिवार बहुत हैप्पी होगा जो, तो ये दिन को बैड इसलिए बोल सकते हैं अगर आप ससुराल जाओ तो आनंद में आप सहभागी हो जाओ उनके, तो आप बच सकते हैं। थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन तो रहेगा आपके लिए, 2, 3, 4 हो सके तो टालिएगा जहां आपको रिस्क लगता है। अभी 5 तारीख से जो मैं समझता हूँ 5 से 12 सीधा सीधा मैंने लिखा है गुड डेज में, देखिए यहाँ 5 से 12 अभी ये अच्छे दिन है आपके काम धंधे के लिए, अच्छे दिन है। 5, 6, 7 आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ये आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग दे देगा, फिर बच्चों के लिए ये अच्छे दिन साबित होंगे अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर उम्र ज्यादा है बच्चे हैं तो 5, 6, 7 आपको बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अच्छे लाभदायक रहेगा। 8, 9, 10 आपके काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट है, काम धंधे में कोई माया करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर अगर आपको इंटरव्यू की डेट सिलेक्ट करनी 8, 9, 10 को कर लो आपको, क्योंकि देखिए जॉब को चेंज करने का या तो जॉब में जंप मार के आगे बढ़ने का या बिजनेस में एक्सपांड करने का ये टाइम है 8, 9, 10 को। तो मीटिंग सेट करिएगा 8, 9, 10 की सेट करिएगा, आपका काम 101% हो जाना चाहिए 8, 9, 10 को। 11 और 12 आपके हाथ में अपनी जो आपकी लिमिटेशन है उसके हिसाब से पैसे बड़े फिगर हाथ में आएंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस फिगर से ज्यादा फिगर बड़ी शांति से आ जाएगा। जैसे 8, 9, 10 में आपने इजीली काम कर लिया, 11, 12 में आपके पेमेंट भी, बड़े पेमेंट भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। और अगर जॉब करते हैं तो ये दिन अच्छा रहेगा, कोई खिटपिट वाला दिन नहीं है। सबसे अलर्ट रहने के लिए दिन है, बैड डेज को मैं मार्क करता हूँ तो 13, 14 और 15 को सबसे बेकार दिन, तो 13-15 13, 14, 15 ये आपका महीने का सबसे फालतू दिन है। अगर आप इस दिन को 13-14-15 को अगर आप टाल सकते हैं, आपके हाथ में है टालना तो इसको टाल सकते हैं। ये दिन 13-14-15 आपको हॉस्पिटल की मुलाकात ना दे दे तो अच्छा है, बहुत बड़े खर्चे में ना डाल दे तो अच्छा है। अगर समझो ये 13-14-15 में अगर आप वाइफ और बच्चों के साथ पार्टी कर देते हैं, पैसा स्पेंड कर देते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत थोड़ी दूर हो वो जगह जहां आपको जाना है, मॉल हो, ये हो, सिनेमा थिएटर हो, तो केयरफुल रहिएगा, आपकी कार की पेट्रोल वेट्रोल सब चेक कर लीजिएगा, शायद कार रास्ते में धोखा ना दे दे आपकी। तो 13-14-15 में ऐसा समझता हूँ कि छुट्टी लेके घर पे ही एंजॉय करना वाइफ और बच्चों के साथ ज्यादा मुनासिब है। 16, 17 और 18 ये 3 दिन आपकी जो मिस्टेक्स हुई है गए महीने में आप उसको रिवाइज करेंगे अपने माइंड में कि 16, 17, 18 में शायद ये मिस्टेक हो गई, फ्यूचर में ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचेंगे एंड इट विल बी एन हेल्थी डे। 13, 14, 15 हो सकता है कुछ मुश्किल भरे दिन भी हो, हेल्थ के लिए भी थोड़ा फिटनेस आपने न मिली हो आपको, लेकिन 16, 17, 18 थोड़े हेल्थी दिन रहेंगे। 19, 20 और 21 ये फाइनेंशियली बहुत मस्त दिन है, मस्त दिन है, देखिए मध्य बीच में है देखिए, तो ये जॉब वर्किंग पर्सन को तो ज़्यादातर सैलरी या मिल जाती है 2, 5, 10 तारीख तक मिल जाती है, लेकिन 19, 20 और 21 ये 3 दिन में यू कैन एंजॉय योर डे
हैप्पीली विथ योर फैमिली, कुछ परिवार में कुछ आपका परिवार एकत्रित हो जाए, कुछ परिवार के साथ आपके आपकी मीटिंग हो जाए, अच्छे से शांति से खाना खा पाए आप। 19, 20, 21 यू कैन एंजॉय योर फैमिली लाइफ वेरी इजीली, बहुत शांति से आप अपने परिवार के साथ खाना वीना खा के पैसा, आपको 19, 20, 21 में पैसे का लाभ भी होना चाहिए। आप बिजनेस में रहे तो फिगर साथ में आते रहते हैं, फिर वो स्विच ऑफ होते हैं लॉन्ग टर्म पर। 19, 20, 21 को आपके हाथ में पैसे भी आने चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मॉनिटरी गेन होने चाहिए आपको 19, 20, 21 को। किसी से पैसा मांगना हो या इस तरह से कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी के साथ आपका कुछ रिलेशन स्पॉइल हुआ है तो 19, 20, 21 को वहाँ पैचअप काम कर सकते हैं, पैचअप कर सकते हैं, मतलब वो वहाँ आप कुछ अपनी इंटेलिजेंसी से लिब्रा की लंबे विजन के साथ वो टाइम 19, 20, 21 आप उनके साथ वो कर सकते हैं। 22, 23 और 24 देखिए कोई कम्युनिकेशन के स्थान में गया है, मैंने जो बोला कि कोई हिम्मत की काम करनी है आपको 19, 20 और 21। देखिए इसमें भाई के साथ का रिलेशंस इंक्लूड होगा, भाई बहन के साथ का जो कोई उनके कुछ कम्युनिकेशन आएंगे आपको, मैसेजेस आएंगे अगर आप मैरिड हैं तो। अगर अनमैरिड है भाई बहन साथ में रहते हैं तो उसके साथ का कुछ बॉन्डिंग अच्छा बना पाएंगे 22, 23, 24 में। और कोई हिम्मत भी आप हिम्मत के लिए दिस इज द करेक्ट डे 22, 23 और 24 को कोई ऐसी हिम्मत करने की कोशिश करेंगे आप कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये हिम्मत करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। पूरे पूरे महीने भर आपने कैलकुलेशन किया और अंत में जाकर आप वो हिम्मत का जुटा रहे, इस तरह का ये माहौल दिख रहा है मुझे 22, 23, 24 को। और 25, 26 यू विल बी हैप्पी एट होम, आप घर में शांति से बैठे होंगे और एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे आप जहाँ भी है। 25 और 26 को आपके काम धंधे के लिए जो मैंने बैड डेज बताए हैं वो ये 2, 3, 4, 13, 15, 13, 14, 15 सबसे बेकार दिन है, इसको बराबर नोट करके रखिएगा कहीं भी। मोस्ट बैड डेज इसको ले तो बैड डेज में द मोस्ट बैड डेज 13, 14 और 15 है। मन में शांति का अनुभव करेंगे 25, 26 को। 27 फरवरी से 1 मार्च 27 और 28 फरवरी मान लो, ये कोई नई आइडिया पर आप सोचेंगे, कुछ बच्चों के बारे में आपको गुड न्यूज मिल जाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए मैंने जहां जहां बच्चों का जिक्र किया हुआ है वहां एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए उस जगह पे नॉलेज की बात होती है। 5th हाउस बच्चों के लिए है जो मैरिड है और बच्चे हैं उनको, इसके लिए दोज हु आर नॉट मैरिड दे आर स्टूडेंट्स तो उनके लिए ये अच्छे अच्छे दिन साबित होंगे एजुकेशन के लिए। जैसे एजुकेशन हाउस पर ही मैंने बोला है फुल मून है तो ये अच्छा दिन रहेगा उनके लिए। गुरु आपके 2nd हाउस में है, गुरु भी अच्छा है, मतलब गुरु जब 6, 8, 12 में जाता है तभी आपकी एजुकेशन को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत डैमेज करता हुआ दिखाई देगा तो वो भी नहीं होगा यार, गुरु बहुत अच्छी पोजिशन में है। देखिए आपका कर्मेश है वो चंद्र है, मैं ज्यादातर देखता हूँ तुला वालों को कर्मेश चंद्र है तो ये कर्मेश चंद्र की वजह से वो दिल से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं, अपने एक सब्जेक्ट में मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं। और कर्मेश चंद्र जब भी 6, 8, 12 में जाएगा, आपका कर्मेश चंद्र 6, 8, 12 में हर महीने में दो दो दिन से राशि बदलने वाला है तो आपके आपको चांस लेना है तो बहुत ईजी है, लेकिन 8, 9, 10 टेंशन रहेगा आपके। 6वें स्थान में है इसके लिए चंद्र आपका कर्मेश, ये टेंशन देगा, मानसिक टेंशन देगा। 13, 14 भी मैं मानसिक टेंशन के दिन गिनता हूँ और 21 और 22 फरवरी को भी मैं उसी दिन में कंसिडर करता हूँ कि ये आपको एक्सट्रीम टेंशन देगा, मेंटल टेंशन, बट डेज विल बी बेस्ड ऑन दिस। इसको ज़्यादा फॉलो करिएगा जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है, जो आगे की डेट बताई, ये सिर्फ मेंटल टेंशन देता है, समझा, मानसिक टेंशन देगा। 21 और 22 फरवरी को भी टेंशन रहेगा। अगर आप देखिए वो 21 और 22 तो देखिए 22 तारीख यहाँ है ही बैड डेज, मोस्ट बैड डेज में भी है। 13 से 15 तो 13 से 15 देखिए यही है वृषभ में तो बैड डे है ही, और ये 13 से 15 में आप बहुत केयरफुल रहिएगा, हो सके तो अपने जॉब करते हैं तो बॉसिस के साथ ना उलझिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको डाउट लगता है कोई कस्टमर के साथ डीलिंग करने में तो 13, 14, 15 को वो डीलिंग को टालिएगा, अदरवाइज वो कॉरल आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये है आपका तुला लग्न का पूरे महीने का लेखा जोखा,
एक हिम्मत का काम है, जो हिम्मत करनी है आपको मंथ एंड में देखिए 24 फरवरी से आपके मन को एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। 24 फरवरी से लेके मार्च है, मतलब एंड ऑफ द फरवरी आप एक पीस ऑफ द माइंड अनुभव कर पाएंगे। और ये मेरे वीडियो को देखने के बाद प्लीज लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता तो डेफिनेटली आप कुछ सुझाव देंगे या कमेंट कीजिएगा। कहीं कोई डेट को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मार्च में, देखिए काफी लोगों मेरे को डेट भी बताते हैं कि आप जो प्रेडिक्शन करते हैं उसमें ये डेट में ये ऐसा तो नहीं हुआ, तो अगेन आई हैव टू थिंक, मैं वापस उसको सोच सकता हूँ। और ये डेट इस तरह से ओपन कर दी उसमें लगभग 90% डेट्स काम करती। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हैप्पी विद द प्रेडिक्शंस, और कोई कहीं कहीं गलत होता है। कभी देखो वो लग्न भी देख नहीं पाते। ये लग्न जो मैंने तुला लग्न लिखा है, ये तुला लग्न 15 डिग्री की कहानियां होती, आपका 18 डिग्री हो 20 डिग्री हो तो फिर ऑलरेडी ये 22 डिग्री आ गया, तो जो मैं प्लैनेट आपकी पोजिशन सब थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। जो मैं 16 तारीख बोलता हूँ तो अगर 16 को वो चीज़ नहीं होती है तो मान लो कि 17 को होगी या 15 को तो होगी, उसके आजू बाजू भी होती है। तो हर महीने में अगर आप ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट को आप करीब तक पहुंच पाएंगे। आपकी लग्न की डिग्री देखनी है, सिर्फ लग्न को देखकर नहीं काम चलना है, लग्न की डिग्री को भी देखना है। तो उसमें सुझाव जो देते हैं मेरे को तो उसको वो भी समझने की कोशिश कीजिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस तरह से प्रेडिक्शन करता हूँ वो आपको समझा पाऊँ। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।